रशियन लोग भी होलिका दहन मनाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये लोग इस स्टैचू को, जो कि घास फूस एंड लकड़ियों से बना है, अभी इसे ये लोग बर्न करेंगे, जैसा कि हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। सेम वैसे ही है इनका ये फेस्टिवल। और अभी मैं हूँ गोवा में, और गोवा से आप लाइव देख रहे हैं लेडी मास्लेनित्सा, जो कि एक रशियन फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में ये लोग लेडी मास्लेनित्सा, जो कि एक लेडीज थी, उसका स्टैचू बर्न करते हैं, और हम लोग होलिका दहन पर रावण को बर्न करते हैं। तो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है और इन लोगों का कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट सेम है, बट ये लोग जो बर्न करते हैं, ये लोग बसंत ऋतु के आगमन का आगमन करते हैं। और इस तरह से लेडी मास्लेनित्सा का जो स्टैचू है उसे बर्न करते हैं। ये जो फेस्टिवल है रशियन फेस्टिवल, हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है, और इस दिन ये लोग अपने मृतकों, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और साथ ही साथ पानकेक्स खाते हैं। और यह इनका न्यू ईयर्स जैसा होता है, जैसे कि हिंदी न्यू ईयर भी मार्च या अप्रैल में होता है, वैसे रशियन न्यू ईयर भी मार्च एंड अप्रैल में होता है। और वो लोग इस लेडी मास्लेनित्सा का स्टैचू बन करके स्प्रिंग का आगमन करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, डांसिंग, सिंगिंग एंड बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं। तो अगर आपको भी गोवा में ऐसे ब्लॉग देखना है, ऐसी रशियन सीक्रेट प्लेसेस को देखना है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पर मिलेगी आपको ऐसी ही जबरदस्त जानकारियां रशियन लोगों से रिलेटेड। या फिर आप लोग इसे बोल सकते हैं रशियन नाइट पार्टी, क्योंकि यहाँ पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जब मैं इंटर किया था, उसको भी देखना, आपकी नाइट लाइफ का जबरदस्त मज़ा आने वाला है। तो गोवा की नाइट लाइफ आपने देखी नहीं होगी, ऐसी नाइट लाइफ मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया है, वैसे ये नाइट लाइफ भी आप पहली बार देख रहे होंगे। और ये रशियन होलिका दहन है, ना कि इंडियन होलिका दहन। शी सिंगिंग वेरी वेल, आई लाइक हर साउंड रियली, इट्स अ ट्रेडिशनल सॉन्ग मेरी, आई लाइक, आई साइन यूट्यूब रियली लॉट ऑफ टाइम। और ऐसी भी मान्यता है कि पुराने ज़माने में रशियन लोग लेडी मास्लेनित्सा का स्टैचू बन करके इससे जो राख बचती थी उसे बर्फ़ के नीचे दबा देते थे, जिससे इनकी फसल अच्छी हो और बसंत ऋतु का आगमन अच्छे से हो और न्यू ईयर जैसा सेलिब्रेट करते थे। इसीलिए अभी भी प्रेजेंटली जो कि रशियन लोग इंडिया में हैं, गोवा में हैं, वो भी उसी कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। और रशिया में तो ये फेस्टिवल बहुत ही व्यापक तरीके से होता है, लेकिन अभी मैं ये रशियन फेस्टिवल गोवा से आपको दिखा रहा हूँ। और अगर आपको गोवा की नाइट पार्टीज, गोवा की नाइट लाइफ और गोवा में रशियन लोगों को देखना है, मिलना है, तो मेरे चैनल पर बने रहना, आपको मेरे चैनल पर जबरदस्त गोवा के ब्लॉग मिलेंगे और गोवा से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको रशियन नाइट पार्टी, गोवा में रशियन नाइट पार्टी, रशियन नाइट लाइफ, गोवा नाइट लाइफ, गोवा नाइट पार्टी अगर आपको देखना है, तो मेरे चैनल पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।